goes back to you. 이제 웃도록 말씀 나드세요. 이제 웃도록 부르시세요. 이제 웃도록 말씀 나드세요. 이제 웃도록 부르시세요. 하트볼! खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स और मौजूदा उम्मीदवार एनए 139 की क्यादत में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनकार। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ और इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ साबिक सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद आसफ नकई ने सैकड़ों कारकुनान के हमरा आदन से इलाहाबाद तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में पीटीआई के सैकड़ों कारकुनान सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मौजूदा पीडीएम हुकूमत ने करप्ट हुक्मरानों ने मुल्क को महंगाई की दलदल में फंसा कर मुल्क का दिवालिया करके रख दिया है। अवाम महंगाई के हाथों तंग आकर खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। साफ शफाफ इलेक्शन ही मुल्क को बचाने का वाहिद हल है। अवाम फाका कशी का शिकार हो चुकी है। तमाम अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ही मुल्क को बहरानों से निजात दिला सकता है। हुक्मरान टोला की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्की मुआशियत की बदहाली के बायस लाखों नौजवान मुल्क से बाहर जा रहे हैं। फैक्ट्री मालकान अपने असासे फरोख्त करके मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं और नौजवान बेरोजगार हो रहा है। रैली में मीर साबर अली हाफिज ग्रुप इलाहाबाद में रैली से खिताब करते हुए कहा कि सरदार साहब चार साल कारकुनों पर पीटीआई के साबका उम्मीदवार ने नज़रअंदाज करके तन तनहा छोड़ा और जुल्म जबर होते रहे, कारकुन बर्दाश्त करते रहे। आप मैदान में आ गए हैं तो आगे बढ़े, कारकुनान आपके साथ हैं। राना बरादरान का मुकाबला आप ही कर सकते हैं। अवाम का समंदर ये बता रहा है कि अवाम आपके साथ है।